नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर आदर्श कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं और इनमें से एक दुकान ऐसी है जिसके अंदर पशु रखे गए हैं। मैं फिर आपको ये बता दूँ कि ये देखिए, ये 3 दुकानें बनी हुई हैं और ये रामलीला ग्राउंड जिसे कहा जाए ये वो है, और रामलीला कमेटी भी यहाँ पर बनाई गई है और इसके अंदर एक गाय है और एक भैंस का बच्चा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इनकी देख रेख राजेंद्र सिंह, जो कि आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं ये। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखिए, ये गाय है, इसकी टांग टूटी हुई है। राजेंद्र सिंह पिछले 8 वर्षों से ये गाय की जानवर ये रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं, खासकर उनकी जिनकी कोई टांग टूटी हो या जिन्हें कोई लगी हो उन्हें ठीक करने के बाद छोड़ा भी जाता है। ये भैंस का बच्चा, इसकी कमर टूटी है, ये खड़ी नहीं हो पाती है और ना ही ये देखिए, इसकी एक टांग टूटी है और इसकी कमर टूटी हुई है। पिछले 4 साल से ये इसी दुकान पे ये काम कर रहे हैं, पिछले 4 साल से। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि 4 साल से ये लोग यहाँ पर ये सेवा करते हैं ये राजेंद्र जी, लेकिन अब ये मसला ये बना हुआ है कि कमेटी, जो रामलीला की जो कमेटी बनी हुई है, वो लोग इन्हें दुकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये बीचों बीच आदर्श कॉलोनी है और रामलीला की ये ज़मीन थी और ये दुकानें बनाई गई हैं। अब इसे ठीक किया जाएगा और इनकी एक्शन भी की जाएगी। गाय यहाँ पर रखना भी ठीक नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पर रखना ठीक नहीं है। लेकिन राजेंद्र सिंह से मैं बात सुनना चाहूँगा कि आखिर वो कहाँ लेकर जाएंगे, क्या मसला इनके लिए बना हुआ है। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे कि पिछले 8 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं। रवि जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तय दिल से कि आपको मैंने फ़ोन किया और मेरे फ़ोन करने पे आपने मेरा दुख दर्द समझा, इसलिए आप आए हो। और अब आप बोल रहे हो कि ये गाय मैं कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि मेरी तो ये पर्सनल गाय तो है ही नहीं है, ये तो टूटी फूटी गाय कहीं से उठा के ले आया हूँ मैं। अब मेरे को परेशानी ये पड़ रही है कि रामलीला वाले बोल रहे हैं कि दुकानें खाली करो, कि हमने इसकी डेवलपमेंट करनी है। तो सर, अब मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ लेके जाऊँ। लेकिन आप ये जो गौशालाएँ बनी होती हैं, इनसे बात हुई किसी? हाँ, मैंने यहाँ उधमपुर में सबसे मैंने बात की है और उसका उन्होंने मुझे जम्मू का नंबर दिया, जम्मू में भी बात की, वो कहने के दूध वाली कोई गाय है वो ले आओ। तो ये अच्छा, वो क्या कहते हैं कि दूध वाली गाय होनी चाहिए, जिन्हें लगी है जो कुछ घायल है वो नहीं चाहिए। नहीं, वो नहीं चाहिए। सभी से बात की आपने, किसी सभी ने मना कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं, आपके क्या होना चाहिए कि देखिए ये तो आप जख्मी है ये गाय, तो क्या आपका मन करता है छोड़ने के लिए ना? नहीं सर, 4 साल मेरे को कम से कम बहुत ज़्यादा प्यार हो गया इनके साथ, मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए मैं आपको फिर बता दूँ कि ये राजेंद्र जी हैं और जानवरों से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनकी आँखों से आंसू हैं कि 4 साल से ये लोग ये सेवा करते हैं, लेकिन अब छोड़ने की बारी आ रही है तो ये कहते हैं कि मैं कहाँ छोड़ूँ इन्हें, ऐसे ये नहीं छोड़ेंगे। राजेंद्र जी, ये जो इनकी आप सेवा करते हैं, घास दिया जाता है इन्हें, चारा दिया जाता है, ये कहाँ से ये देते हो? नहीं, यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए, भूसे के लिए, पत्री के लिए, और कई टाइम नहीं मिलता तो अपनी जेब से भी खर्च कर देता हूँ। तो अब क्या आपका मैसेज क्या है और क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से या किसी से, किसी संस्था से? संस्था से ये मेरी अपील है, अगर इनकी सेवा कोई कर सके तो मेरे से ले जाए, ये तो मैं नहीं दूंगा। देखिए ये राजेंद्र जी थे मेरे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे हिंदू जागरण मंच के उधमपुर रामबन के ये प्रभारी हैं ये रोहित सेठी जी, ये भी मेरे साथ आए हुए हैं। रोहित जी क्या कहेंगे, आपने पूरी बात सुनी है कि देखिए किस तरह से उन्होंने आंसू बहाकर ये बात बताई है कि मैं छोड़ नहीं सकता इन्हें। देखिए मैं काफ़ी देर से इनको देख रहा हूँ कि राजेंद्र जी को ये काफ़ी देर से सेवा कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके और साथ में जो हमारी गौशाला है उनसे बात करके कि ये उनका उनके लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था बनाएँ, क्योंकि अब ये रामलीला की ग्राउंड जो जगह है तो यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट करनी है, तो अब ये उनको बोल रहे हैं कि यहाँ से खाली करिए, बट ये कैसे खाली करें, मैं उनकी आंखों में आंसू देख रहा था और मेरे को भी देख के थोड़ा सा ये हुआ कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मैं DC मैम से गुहार लगाऊंगा कि आप प्लीज़ कुछ ऐसी जगह हमें अलॉट करिए जिसके लिए हम ये गाय जो माता है वहाँ पर उनको रखते हैं। क्या मानते हैं, आपकी गौशालाएँ बनी हुई हैं, सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं, कुछ लोगों ने अपनी बनाई हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि दूध वाली गाय हमें दे दो और ये ऐसी टूटी फूटी गाय नहीं लेंगे, ये क्या मानते हैं आप? ये कहाँ देखिए, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है, बट मैं उनसे बात करूँगा एक बारी कि आप प्लीज़ इसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि
गाय हमारी माता है, जैसी भी गाय होगी हमें उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो हमारे गौशाला के प्रधान हैं उनसे बात करके मैं इस बारे में। हमारे साथ समाज सेवक वर्मा जी भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँ। वर्मा जी क्या कहेंगे, आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले, दुकान यहाँ पे बिजनेस करते हो, तो आपकी आंखों के सामने ये चीज़ है, आंसू भी देखे हैं राजेंद्र जी के साथ। हम पूरे जो सोशल वर्कर्स जितने भी हैं हम राज्य के साथ में, और हम से अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाए और इन गौ माता को, जो इंजर्ड गौ माता को, ऐसा कुछ स्थान व्यवस्था कराया जाए जहां इनको रखा जाए, क्योंकि दूध देने वाली गाय तो सभी करते हैं, मगर इन इंजर्ड गायों के लिए भी हमें देखभाल करनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं तो हम जितने भी समाज सेवक हैं सारे इकट्ठे होकर हम राजेंद्र का पूरा सहयोग करेंगे और जो हमारे से होगा हम उनको सहयोग करेंगे। आपने देखा कि ये थे वर्मा जी और रोहित सेठी जी से, उनसे भी हमारी बात हुई है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि वो प्रशासन से भी बात की जाएगी, और वर्मा जी का कहना था कि वो जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर बनी हैं उनसे बात करेंगे और राजेंद्र जी का सहयोग किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, राजेंद्र जी कोई अपने फ़ायदे के लिए ये काम नहीं करते, ये वो जानवर है जो जिनकी टांग टूटी है, किसी की कमर टूटी है, और ये सेवा करते हैं, लोग भी इनके पूरा सहयोग दे रहे हैं लोग भी। लेकिन अब खाली करनी है दुकान, ये भी ज़रूरी है कि डेवलपमेंट चाहिए, और ये बीचों बीच यहाँ पर बना हुआ है, इसके लिए कमेटी जो रामलीला कमेटी है वो भी इनको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इनके लिए एक मुसीबत यही बनी है कि आखिर लेकर जाए कहाँ, पहले तो ये घर में रखते थे, अब इनके घर में भी जगह नहीं है। लेकिन इनकी आंखों में आंसू हैं कि मैं कहाँ छोड़ूंगा, लेकिन ऐसे मैं किसी को नहीं दूंगा, अगर कोई जिम्मेवारी लेता है तो फिर ये देंगे, ऐसे ये नहीं देंगे। लेकिन प्रशासन से भी अपील की जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोई ना कोई इनका साथ दे ताकि इन्हें बचाया जाए, और ऐसे जानवरों की ये सेवा पहले भी करते थे और आगे भी करते रहे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।